नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में रिवर राफ्टिंग के साथ कयाकिंग की हुई शुरुआत, पर्यटक उठा सकेंगे इसका लुफ्त। छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिन तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका, नंद कुमार साय कांग्रेस में हुए शामिल, सीएम भूपेश बघेल ने दिलाई शपथ। सुकमा में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों की आगजनी, डीआरजी जवानों ने चार को किया मौके से गिरफ्तार। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी श्रमिकों को बड़ी सौगात, कार्यस्थल पर मौत होने पर 5 लाख तो स्थायी दिव्यांगता पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। कोंडागांव में प्रोसेसिंग प्लांट में बड़ा हादसा, 12 फीट की ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। श्रमिक दिवस पर सीएम भूपेश ने की बड़ी घोषणाएं, ई रिक्शा अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर किया 1 लाख रुपए। जगदलपुर में बड़ा हादसा, शादी कार्ड बांटने निकले दो युवक खड़े ट्रक से जा भिड़े, मौके पर हुई दोनों युवकों की मौत। राजधानी रायपुर में 1 मई से 3 मई तक सेना और कृषि विभाग का होगा सम्मेलन कार्यक्रम, 50,000 की संख्या में शामिल होंगे नागरिक। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।